ठहरूं कि बोलूं? बोलती रहूं? रुक जाती। बहनों बहनों, आजकल आपके खेतों में बहुत काम है। मैं जानती हूं कि आप दिन रात संघर्ष कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, फिर भी आप यहां आई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव चल रहा है, मैं तेलंगाना जा रही हूं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, हर जगह चुनाव है। जहां जहां मैं जाती हूं तो उस प्रदेश की जो खासियत है, उस प्रदेश का जो हुनर है, जिसके लिए उस प्रदेश की मजबूती पूरे देश में जानी जाती है, उसके बारे में मैं बात करती हूं। ये वीरों का प्रदेश है। यहां के महापुरुषों ने हमारे देश के लिए बड़े बड़े बलिदान दिए और इस देश की आज़ादी में बहुत भूमिका निभाई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में गई तो रानी दुर्गावती जी हैं वहाँ, उन्होंने भी देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और हर प्रदेश में ऐसी कहानियाँ हैं, और सिर्फ महापुरुषों ने नहीं, इस देश के जन जन ने देश को मजबूत बनाने के लिए और देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। देश के किसान ने संघर्ष किया है, देश की महिलाओं ने संघर्ष किया है, तभी ये देश आकर यहाँ पहुँचा है जहाँ हम आज हैं। तो जब हम सरकार बनाने की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, तो हमें ये सोचना बड़ा ज़रूरी है कि हम सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं। ये देश, ये प्रदेश जिसके लिए हम सब मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम सब संघर्ष करते हैं, इसकी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है। आपका जीवन का सफ़र मुश्किल है। मेरी बहनें खेतों में काम करती हैं, घर गृहस्थी को संभालती हैं, बच्चों का के परवरिश को देखती हैं। मेरे भाई खेती करते हैं, जो किसान भाई हैं, आपके बच्चे बड़े होकर जवान बनते हैं, सरहद पर देश की सुरक्षा करते हैं। आप इस देश की रीढ़ हैं, इस देश को आपने बनाया है। तो इस जीवन के सफर में जो संघर्ष से भरा हुआ है, मुश्किलों से भरा हुआ है, इस सफर में आप सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी जीवन की जो मुश्किलें हैं उसे कम करने का प्रयास करें? आप सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि आपके जीवन संघर्ष में आपका साथ दे, जब आपदा आए तो आपको राहत मिले, जो खेती का काम आप कर रहे हैं उसमें आपको सुविधा मिले, जो मेरी बहनें बच्चों के परवरिश कर रही हैं उनको मदद मिले, ताकि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वो उज्जवल हो सकते हैं, उज्जवल हो सकता है। यही उम्मीद रखते हैं ना आप? ये उम्मीद रखते हैं आप सरकार से? तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक सोच और एक समझ की ज़रूरत होती है। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है, अतीत की ओर देखता नहीं है। अतीत का आदर करता है लेकिन बार बार अतीत की बात नहीं दोहराता, वो आगे देखता है कि हम आज जनता को किस तरह मजबूत कर सकते हैं ताकि आगे बढ़कर उनका भविष्य और भी मजबूत बने। तो इस सोच के लिए, समझ के लिए एक तरह का नेता होना चाहिए। जैसे आपने देखा, आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से
आपका जो ये जीवन सफर है इसमें आपकी मदद करने की का प्रयास किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों का आप सफर देखें तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। जो नेता सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, वो सिर्फ अपना मान सम्मान और अपने घमंड को नहीं देखते, वो जनता को देखते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाना, 27,000 करोड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने अपने लिए, ये एक तरह के नेता करते हैं। भाजपा के आज नेता जो हैं वो सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं, वही कहते हैं कि ओपीएस पेंशन के पैसे नहीं है, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को देश की सारी संपत्ति दे चुके हैं, तो आप सोचिए, आपने भरोसा करके दिया, सत्ता दी, आपने खड़ा किया, आपकी उम्मीद थी कि आपके जीवन सफर में वो आपकी मदद करेंगे, आपकी उम्मीद थी कि जो देश की संपत्ति है उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन क्या हुआ, देश की सारी संपत्ति अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे दी। जो 6,000 करोड़ की कंपनियां थी, लाखों की कंपनियां थी, उनको कम दाम में बेच दिया। जहां से आपको रोजगार मिल सकता था वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को बेचकर प्राइवेट कर दिया। जहां आरक्षण मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। तो आपने उम्मीद की लेकिन आपकी उम्मीद को तोड़ा गया। आज ये नौबत आ गई है कि प्रदेश की सरकार महंगाई के राहत कैंप लगा रही है, क्योंकि देश की जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, उसने इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि आप गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो नजरिया है इन नेताओं का, जो भाजपा का नजरिया है, उसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तो धर्म और जाति की बात करते हैं। धर्म और जाति की ऐसी बात होती है जो आपके दिल में, आपके जज्बातों से जुड़ी होती है। धर्म की सुरक्षा, धर्म को आगे बढ़ाने की बात, इसे कोई हिंदुस्तानी नहीं नकार सकता। ये ऐसी चीज है जिससे हम सबके जज्बात जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये चुनाव के समय क्यों उठ रही हैं ये बातें, चुनाव के समय ये बातें क्यों करते हैं, और चुनाव के समय आपके विकास की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं, चुनाव के समय आपको ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि ये जो ओपीएस पेंशन के पैसे हैं ये आपको क्यों नहीं दे सकते। जब तमाम कांग्रेस की सरकारें प्रदेश के बाद प्रदेश में ओपीएस दे रही हैं तो इनको कौन सी दिक्कत हो रही है, ये सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। और आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि ये जो दो तरह की राजनीति है जो आज देश में चल रही है, इनमें से आपको कौन सी चुननी है। आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सिर्फ आपकी जज्बातों की बात करती है चुनाव के समय, लेकिन आपके काम की बात नहीं कर रही है, या आपको एक ऐसी राजनीति चुननी है जो सुबह से शाम तक आपकी काम की बात करे, जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करने की बात करे। देखिए, अगर जनता का कल्याण होना है
तो ऐसी राजनीति से होगी होगा जो सेवा भाव, करुणा भाव और जनता को सर्वोपरि रखने की राजनीति हो। लालच, महत्वाकांक्षा, अहंकार की राजनीति आपको आगे नहीं बढ़ाएगी। इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहां आकर दुनिया भर की बातें करते हैं, बहुत नकारात्मक बातें भी करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सकारात्मक बात क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने तो देखा ही होगा, मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, देवनारायण जी के मंदिर में शायद गए थे कुछ समय पहले और एक लिफाफा डाला है। अब मैंने टीवी पे देखा कि 6 महीनों बाद वो प्रधानमंत्री जी द्वारा डाला गया लिफाफा खोला जा रहा है। जनता सोच रही है कि भगवान जाने क्या होगा इस लिफाफे में। देश के इतने बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आए थे, वो लिफाफा डाल के गए हैं, लिफाफा खोला, 21 रुपए निकले। अब आप मुझे बताइए कि एक तरह से यही हो रहा है देश में। घोषणाएं बड़ी बड़ी, मंच पर खड़े होकर कैसे कैसे लिफाफे दिखाए जा रहे हैं आपको, और जब आप उन लिफाफों को खोलते हैं, जब चुनाव खत्म हो जाता है और बारी आती है कि काम करके दिखाओ, तो कुछ नहीं होता।